नमस्ते 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 खोली दिंतु हृदय रास्ता समस्ते रास्ता तो आम खोली देचु बट हाँ यू नो कबाड़ झरकर झरकर भी खोली दबा उचित बिकज टू हॉट तो आज हब यस क्योंकि आज तो पैसा वसूल करेंगे राइट पैसा वसूल केमती करवा बिकज आज जी आम सहित रही सी वेरी टैलेंटेड वेरी गॉर्जियस एवं बहुत 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 ही टैलेंटेड बहुत ही ब्यूटीफुल एंड ब्यूटीफुल पर्सन एवं ब्यूटीफुल मम्मी भी हो सारी यस तो यू नो ढेर सारा नेटवर्क प्रॉब्लम एंड आज मॉर्निंग रु तांको से तो बहुत प्रॉब्लम हो सारा पर भी आई एम सुपर एक्साइटेड टू गो लाइव विथ अर्पिता चक्रवर्ती एंड वेरी टैलेंटेड पैसा पैसा गीत कहीकी से धूम पैसा कमी तो सारी बट लाइक हाउ शी फील पैसा कमेबारे लोक को एंटरटेन करिवारे मम्मी हबारे डबिंग आर्टिस्ट हबारे सिंगर हबारे कौथेरे से सब किसी जानवा एंड मुझे कौटि ना कौटि गोटे यू नो फेसबुक कनेक्शंस जोड़ी हो जाए आम सहित सो आज फाइनाली वी मेट ओके एंड बस आ किसी समय भितर सहित ढेर सारा कथा मुझे करेबी एंड समस्त को मुझे कहीदे सब मम्मी मान को हैप्पी मदर्स डे घर ही सेलिब्रेट करफकोर्स हाँ मु मो मम्मी पाखे ना बट फोन करके मो मम्मी को कही सारी मो मम्मी मत कह मुझे कौन कहबी मुझे तू मत थैंक यू ही कहबू सो स्वीट ना ओके लेट्स सी कि अर्पिता आम सहित खूब शीघ्र जॉइन करछंती यू नो सम टेक्निकल इश्यूज बिकज ये हैप्पी मदर्स डे थैंक यू सो मच सो प्रिय प्रियवर्तिका अर्पिता थम्सअप दे सारे होपफुली शी विल जॉइन सून ओके बस वन टू थ्री फोर एंड फाइव गुड्डी फाइनली वी मेट फाइनली वी मीट हियर यस फाइनली मेट And thank you so much. We are same teams. What? See, we are connected. Soulful connection है. पता नहीं कैसे लेकिन हो जाते हैं. हो जाता है. By the way, मैं अपने सारे जितने listeners हैं बता दूँ about Goody. आप लोग से मिल चुके होंगे. She's a fantastic anchor, RJ. एज अ पर्सन शी इज अ फैशनिस्टा लोग उनको देख के इंस्पायर होते हैं आई थिंक शी इज डूइंग वेरी वेल इन ओडिशा एंड आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ हर आई एम वेरी हैप्पी आज का दिन भी बहुत खास है आज मदर्स डे है सो आई एम हैप्पी दैट यू नो वी आर फाइनली इंटरेक्टिंग क्योंकि म्यूचुअल एडमिरेशन बहुत है हम दोनों में क्योंकि आई थिंक हम लोग के रूट्स एक ही जगह से है वी आर फ्रॉम ओडिशा एंड वी बोथ आर इन द समहाउ इन द यू नो इंडस्ट्री सो आई थिंक टुडे इज अ वेरी गुड डे टू एक्चुअली टेक द आइस एंड स्टार्ट द कन्वर्सेशन दैट टुडे इज संडे टुडे इज मदर्स डे एंड टुडे वी फाइनली मेट सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डे इट्स अमेजिंग ट्रूली अमेजिंग यू आई विल शो यू माय रिंग्स सी सो आई विल शो यू माय मास्टरपीस और एक बात बता दूं आपको रितु के बारे में शी इज अ कलेक्टर ऑफ ब्यूटिफुल इयररिंग्स एंड शी हैज अमेजिंग ड्रेसिंग सेंस ऑल्सो आप लोग उसको जरूर फॉलो कीजिए ऑन फेसबुक ट्विटर एवरीवेयर सो हाउ हैप्पी मदर्स डे टू यू एंड हाउ हैव यू बीन टेल मी Actually, though I'm not still mother, not in a journey of motherhood, but it's that's okay. That's okay. But anyway, you are married, na? So or you whatever. So that is anyway that also एक तरह से तुम एक बच्चे का ही take care कर रहे हो. I know that. What? It's hot. After एक बार मेरे hotness पर बढ़ गए. So I. Wow. This is so beautiful. This is your family. Yeah. सो फैशनिस्टा ओके मु जदि एबे कहिबे आपण ओडिया रे कथा आबे बहुत लोग भाबिबे के अति तो ओडिया छी मु निश्चय ओडिया रे कथा कहिबे निश्चय सो अर्पिता चक्रवर्ती इट्स लाइक बंगाली यू आर इन बॉलीवुड
ଲାଇକ୍ ୟୁ ଆର୍ ଓଡ଼ିଆ, ସୋ ଏଇ ଯୋଉ ତିକିଡ଼ି କମ୍ବିନେସନ କେମିତି ହେଲା? ଆଣ୍ଡ ବହୁତ 99% ଲୋକ ଜାଣିନଥିବେ ୟୁ ଆର୍ ଫ୍ରମ୍ ରାଉରକେଲା। No, not nobody knows actually. Yeah. ସୋ ଏଇ ଜର୍ନି କେମିତି, ଲାଇକ୍ ରାଉରକେଲାରୁ ୱାଇ ନଟ୍ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମିନ୍ସ ୱାଇ ନଟ୍ ବେଙ୍ଗଲି ଦେନ୍ ଜଷ୍ଟ ଫ୍ଲାଏ ଟୁ ଟିକେଟ୍ ଟୁ ବଲିଉଡ୍। So the thing is, Goody, you can call me partially Bengali, partially Odia, because I was born and brought up there. So I have my Odia roots. Music industry, I think I was there because of my mother. She had a classical institute. Both students bhi asthile tanko institute re. And I was a kid that time. Prafulla Kara uncle, if you could be Prafulla Kara, music director of Odisha. And Prafulla Kara asthile se Raurkela re gote bhajan competition thila, seta ku judge kariya ku asthile. So he judged, and I was like really little that time. ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ ହି ସ୍ପଟେଡ୍ ମି ଫ୍ରମ୍ ଦେୟାର ଆଣ୍ଡ ହି ସେଡ୍ ୟୁ ଆର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ପରଫର୍ମ ଇନ୍ ପୁରୀ ଭଜନ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ତ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲି ବଟ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ଅ ଭେରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଡିଜାୟର କି ଆଉ ସେଇଟା ମୋର ଫର୍ଷ୍ଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଥିଲା ଲାଇକ୍ ପୁରୀ ଭଜନ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଆଣ୍ଡ ଦେ ୱର୍ ଆବାଉଟ 5 lakh ଡିଭୋଟିଜ୍ ୟୁ ନୋ ହାଉ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନା ପୁରୀର ଯେମିତି ହୁଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ତ ସବୁ ଏଭ୍ରି ଇୟର ଆଇ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଗୋ ଦେୟାର ଆଣ୍ଡ ପରଫର୍ମ ତ ସେଇଠୁ ମୋର ଯୋଉ ପ୍ରଫେସନାଲ ଯୋଉ ଜର୍ନିଟା କହିପାର ଫ୍ରମ୍ ଅ ଭେରି ଅର୍ଲି ଏଜ୍ ଇଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ମାଇ ମଦର ବିକଜ୍ ଶି ଟଟ୍ ମି ଅଲ୍ ଦ ନ୍ୟୁଆନ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ବହୁତ ଗାଇଡ୍ କରିଛନ୍ତି ମୋ ମା ମୋ ଗୁରୁ ଯେ ତାପି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଦେୟାର ବଟ୍ ମୋ ବାପା ଯେ ମୋ ଫାଦର ଯେ ଥିଲେ ହି ୱାଜ୍ ଭେରି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେ ହି ୱୁଡ୍ ୟୁ ନୋ ସେ କି ନାଇଁ ଗୀତ ବାଜା ସବୁ ଠିକ ଅଛି ବଟ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଷ୍ଟଡି ୱେଲ୍ ସୋ ଦେନ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ମଝିର ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଥ୍ ଚୁଜ୍ କଲି ଯୋଉଟାରେ ଲାଇକ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟଡି ଅଲ୍ସୋ ଆଣ୍ଡ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ମାଇ ଆର୍ଟ ଅଲ୍ସୋ ସୋ ଦେନ୍ ଆଇ ବିକେମ୍ ଅ ଡିଜାଇନର ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମେଡ୍ ମାଇ ବୋଥ୍ ମାଇ ପେରେଣ୍ଟସ୍ ଲାଇକ୍ ହ୍ୟାପି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱାଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ମଝି ବାଟ ଚୁଜ୍ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଲାଇକ୍ ମୁଁ ଏଠି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ଆପଣ ଓନ୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡ No, I'm not an only child. I had an elder sister. I have an elder sister. She ଏମିତି କେତେବେଳେ ହେଇଛି କି ନୋ ପେରେଣ୍ଟସ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଡିସାଇଡ ଥାଏ କି ବଡ ଝିଅ ବାପାର ସାନ ଝିଅ ମାର ବା ବଡ ଝିଅ ମାର ସାନ ଝିଅ ମାର ତ ଇଏ ମୋ ହିସାବରେ ହବ ଇଏ ତ ଆପଣ ଯେହେତୁ ମମିଙ୍କର ଇଏ କଲେ ତ ଦିଦି ଯୋଉ ଷ୍ଟଡିଜ ରେ ହାୟର ଯାଇଥିବେ କୋର୍ସ କରିଥିବେ ସେମିତି କିଛି ହେଇଛି ସେ ଏମ୍ ସି ଏ କଲା ସେ ବହୁତ ମାଷ୍ଟର୍ସ ଇନ୍ ଲାଇକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସେ ସାଇନ୍ସ ସାଇନ୍ସର ଷ୍ଟଡି କଲା ବଟ୍ ଆଇ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ମାଇ କପ୍ ଅଫ୍ ଟି ମୋତେ ତ ମୁଁ ମ୍ୟାଥ୍ସ ଦେଖିକି ମୋତେ ଡର ମାରେ ଏତେ ଏବେ ବି ଲାଇକ୍ ୟୁ ନୋ ଆଇ କାଣ୍ଟ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ମୋତେ ଦେଲେ ମୁଁ ଲାଇକ୍ ମୁଁ ୟୁ ନୋ ଆଇ ଆମ୍ ସୋ ବ୍ୟାଡ୍ ଇନ୍ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ମୁଁ ସିମ୍ପଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ଓକେ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର କେତେ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ର କ'ଣ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ର ହୋଲ୍ ଏଇ ସବଜେକ୍ଟ ଜମା ଡର ଏଇ ସବଜେକ୍ଟ ତ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 10th ରେ ଆସିଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି କି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମମ୍ ଡାଡ୍ ମୁଁ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇକ୍ ଆଇ ହାଭ really really take obeyed you that I have follow kar mali ha mu icse parjant mu kali bahut dedication and I did I scored pretty decent I was 83% samti milla mate but then mu decide kali ki ya pare mu I will never do this because seta moro it's not my cup of tea I am an artist mane moro sabu sabu inch re centimeter re art achi to mu kemiti mathematics karibi mu kemiti science ସେ କସ୍ ଥିତା ସାଇନ୍ ଥିତା ମତେ କିଛି ମୁଣ୍ଡରୁ ଇଏ ହୁଏନି ବଟ୍ କସ୍ ଥିତା ଆଣ୍ଡ ସେକ୍ ଥିତା ଇଟ୍ସ ଲାଇକ୍ ସେକ୍ସ ଥିତା ରାଇଟ୍ କସେକ୍ସ ଆଣ୍ଡ କସେକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସମଥିଙ୍ଗ ଲାଇକ୍ ସେକ୍ସ ସେକ୍ସ ଏଇଟା ସବୁ ମ୍ୟାଥ୍ ମାନେ ଶିଖି ଯାଇଥିଲି ଅଲମୋଷ୍ଟ ଓକେ ଏତେ ସବୁ କରିବା ପରେ
ଫ୍ୟାସିନିସ୍ତା ଆପଣ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ଏ ଫ୍ୟାସନ୍ ଡିଜାଇନର Yeah, so then after my 12th, I went to 12th remove here arts partly humanities, economics, political science. Thank you, mate. Both interest thila se sabu subjects re. English. That's why you earn like economy apno body chi and finally economy padte ga. Jo finally paisa paisa gai le. Paisa paisa, ha, bilkul. So then, uske baad I went to NID for. 3.5 years सेत्रे मु डिजाइन कली टेक्सटाइल डिजाइन मु बॉम्बे असली एज अ डिजाइनर मु एठी आसी की आई वाज वर्किंग हियर एज अ डिजाइनर फॉर 2 years एंड तापरे आई स्टार्टेड डूइंग वर्किंग एज अ डबिंग आर्टिस्ट फॉर कार्टून नेटवर्क एंड पोगो एंड सो सेटा मु जाने पे न जस्ट आपण जदी सिंगर होवा पे चाहतिले ए भाभी की टेक्सटाइल डिजाइन पढिले की लाइक म्यूजिक इंडस्ट्री सहित जोड़ी हबो इजी हबो एंड मुंबई रे स्ट्रगल करबा डा ते इजी नुए तो पॉकेट को पैसा आसीबो देन आई कैन स्ट्रगल और कौन भाबी एक्चुअली आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गुडी आई हैड नो क्लू अबाउट जॉइनिंग बॉलीवुड मु केबे भाबी नथिले कि मु एबे एठी आसी के एमती गीत गाइबी ऑनेस्टली बिकॉज मोर मेन आई वाज डिजाइनर और मु भाबी थिले कि मु सेटा को परस्यू करबी एंड I will do that. But eighty jatebele mu asili as a designer. Mu eti kamo kali. But then mate there was something inside me jota ki mate it was not letting me sleep in peace. Mate emti hue na se creative gote kida achi na. So seita that kept on telling me ki you belong to some other industry. You belong somewhere else. So sethi pai mu you know I started exploring I explore kari kari you know I got an opportunity gote audition houthila sethre mu goli as a dubbing artist sethire moro selection hela sei tu mo jani start hela so dubbing artist jor jetore karuthile se ko character mane achi apan le par bahut bahut characters karchi mu thoda sa dekhna na bhuliyega Tom and Jerry sirf cartoon network par So these kind of things. Then I had done some Nobita ka voice for some you know Doraemon ka series. खोजे याद है याद है Doraemon Nobita ka अभी तो it's like high on like बच्चों का favorite Doraemon होती हाँ तो now I'm talking to a professional RJ so I'm like little this thing but yeah I can just you know that was my starting point so सेटा मुकाली बहुत like for a good amount of one 1.5 years and then I started singing professionally I sette bele mor contact sei jaitile already and I started getting work to my jingles ru mu start kali advertisement jo tv re ase se one jingle la 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 yeah la, 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 la. you know that so ab bahut mane khushi lagila ki eta gote odia girl गाई छंती एंड आजी से गीत तो सेम कंटिन्यू अछि यदि बदी यामी गौतम यदि फेयर एंड लवली गर्ल हेबे ताले अर्पिता भी फेयर एंड लवली वॉइस वा जाय पारिबो सो मच थैंक यू सो सो इटा जे तोले ये हला बट छंती आजी हमें आजीर कथा मु कहिबी आजी जेतर आपन को पैसा तमे फेयर आ मु लवली ए यस ये बहुत एंड फेयर एंड बहुत एंड लवली Yes. So, माने struggle इतने सहजर मिली जाई थी ना like केपे भाभी थी ले music industry Bombay and सेते बोल रहे हैं तो केपे आपन Bombay आसी थी कि like Bombay try करता। I had known a little bit of people, but एठी के कहाँ को help करेनी? एठा गुटे Bombay रो गुटे principal कोई पारी बो? Is it? So, but आपने सुनी चुके बहुत तोड़िया लोगों को बहुत तोड़िया लोगों माने help no. करती। At least I did not know anybody or mu kaaku approach bhi kali ni emti but then moro gote sango thila je Indian Idol re he had participated so he told me once that gote audition chalchi Adesh Srivastav ji unke studio mein to unka koi Bengali film hone wala hai to tum why don't you go and try and sing to mu sedi jai thili and se gita ta release helani but then after 1 week I got a call from their office once again gote song ame record kalu
एंड दैट सॉन्ग वॉज माई डेब्यू पिक्चर सत्याग्रह फिल्म इन 2013. सो दैट वॉज फर्स्ट. यस यस इट्स एक्चुअली appropriate to you actually this ke bhitare nahi because jodi arpita ko loko follow karthibe mu jodi specially to apan mari jodi down ro up look ra se ju intention da it's like really so ki dhari ke jao aji definitely surely why not ras ke bhare tore ne savariya ras ke bhare रस के भरे तोरे ने सवरिया रस के भरे तोरे ने तड़पत हूँ दिन रैन सवरिया तड़पत हूँ दिन रैन तड़पत हूँ दिन रैन सवरिया तड़पत दिन रे बिन देखे नहीं चैन सवरिया बिन देखे नहीं चैन ओ रस के भरे तोरे नैन सवरिया रस के भरे तोरे. सो दिस वाज माय या परे करीना का कॉल आसला करीना. नो अनफॉर्चुनेटली नो यार सपनों में आया था बहुत बार एंड नो बट करीना कपूर डिड वन थिंग शी हैड ऑन ट्विटर उन्होंने लिखा था मेरे बारे में भी लिखा था गाने के बारे में भी लिखा था और उन्होंने लिखा था कि इस पूरी फिल्म में ये उनका सबसे फेवरेट गाना है. सो करीना कपूर ट्वीटिंग अबाउट इट वाज अ वेरी बिग थिंग. सो इट वाज आई मीन आई वाज वेरी हैप्पी. लड्डू को कहते सोजा नहीं तो चुड़ैल आ जाएगी. अभी एक्चुअली माय हस्बैंड राजीव समटाइम्स कॉल्स मी दैट That is between you and me. मतलब मजाक में ही सही. तो कभी कभी वो लड्डू को भी बोलता है कि देख 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 डायन आ रही है यू नो. सो देन दैट सॉन्ग अप्रोप्रिएटली गोज वेल. लेकिन फिर तुम्हें पता है दोनों मिलके मेरी बहुत खिल्ली उड़ाते हैं तो ऐसा है. क्या माँ को तो सहना पड़ता है मेरा दिल बहुत ଲାଗିଲା କମି ରହିଯାଇଛି ଲୋକ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇକି ବି ନୋ ରାତରେ ବି ପପୁଲାର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି. ୟୁ ହାଭ୍ ଲାଇକ୍ ଅ ଗୁଡ୍ ଟୋନ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟି ଓ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଭଏସ୍. ସୋ କେତେ ଲାଗିଲା ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିପାରୁନି ତେଲ ମାଲିସ କରିପାରୁନି ଦାଟ୍ସ ୱାଇ ଟିକେ ପଛରେ ରହିଯାଇଛି ଅର୍ପିତା. ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆଇ ଏମ୍ ଅ ଭେରି ଶାଏ ପର୍ସନ୍ ଟୁ ବି ଅନେଷ୍ଟ. ମୁଁ ଏମିତି କାହାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କେବେ ବି ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିପାରେନି ଲାଇକ୍ ଫର୍ ୱାର୍କ ଅର୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ. ତ ମୋତେ ଯେତେ ବି କାମ ଆସେ ତ ଇଟ୍ସ ଥ୍ରୁ ସମ୍ୱନ୍ ୟୁ ନୋ. So that could be one reason and but I'm very happy ebe jo paisa paisa pore jo mate opportunities ebe like this year also there's one song that mu nije produce karchi and I have kali post karchi. Omkar Kapoor is the hero of that song and se gita ta bahut bahut it's very beautiful. So seita it is releasing very soon. তো সেইটা বহুত বড় গীত. সো আফটার দ্যাট দের আর মোর সংস আর রিলিজিং. তো আই এম ভেরি হোপফুল কি ইউ নো অ্যান আর্টিস্ট মেক্স হিজ অর ওন জার্নি বাই হিমসেলফ. বাট ইয়া মো পার্সোনাল লাইফ রে বহুত সেটব্যাকস আসছিলা. সো দ্যাট কুড বি দ্য রিজন মাই আই লস্ট বোথ মাই প্যারেন্টস 2 ইয়ার্স ব্যাক অ্যান্ড মাই ড্যাড ওয়াজ ফাইটিং ক্যান্সার.
तो एवरी डे आई सॉ हिम डाइंग यू नो इन फ्रंट ऑफ माय आईज माय मदर आल्सो शी वेंट थ्रू अ ब्रेन हेमरेज तो बहुत किछि हेछि मो पर्सनल लाइफ रे आउ तापरे मु आई बिकेम अ मदर सो ऑल द ऑल दोस थिंग्स सो आई हैड टू बैलेंस बिटवीन माय प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ नाउ टच वुड आई हैव बिकम मोर पॉजिटिव एंड स्ट्रांग टुडे आज मदर्स डे सब सब लोग माने दे आर सेलिब्रेटिंग इट विद देयर मदर्स I miss my mother a lot but I choose not to talk about it or think about it kai ki mo I have come out through it you know to mu ebe na and ke jodi bhi thibe a blessing so thibe because you are doing a very good job apana apan ko kaam karuchanti and that's why your success e jani bhitare you are very low profile like arpit chakravarti ko look personal life ho professional life ho जानी पारंती लाइक शाय इन द सेंस कैमरा शाय बी नॉट कैमरा शाय आई एम अ लिटिल लाइक आई एम अ स्कॉर्पियन यू आर अ लिब्रन राइट या यो व्हेन इज योर बर्थडे जनवरी 14 अच्छा और आई एम लिब्रन ओके माइन इज अक्टूबर 27 तो से सो बीइंग अ स्कॉर्पियन Scorpio characteristics same thi hue tike you know everything is a little hidden so there are a lot of layers so anybody I'm not an open book mane that way I'm very free while talking and all but there are things you know so people get to know me well say tike tike discover karanti but off and on mu bhi niche ko aji parjanto even I don't understand myself sometimes you know that's like that so sometimes in the way ki loko tag lagai dondi she is very ghosting of bahut ghamandi tasto ki katha honi to bahut log bahut log boli boli ki bahut sara unapproachable hai ha log samajhte hain main unapproachable hu ghamandi hu people think that I am snobbish and whatever but sempi kichhi nahi mu amu bahut bahut saral I am very seedhi saadi but it's just that every person goes through so much in their lives na so it's like staying from a distance and judging a person I don't think so so jete bele you know when you get to know the person then you know the real person so mu semit so my close friends they know me and that's how it is so ame aji sobu kichi jane daba arpita ko bisari so college life kemti thila कॉलेज रे जदि सिंगर थिबे झियो दैट टू बी ब्यूटीफुल थिबे बहुत ही मजा था कॉलेज लाइफ पर एक भी अफेयर नहीं हुआ एक भी अफेयर नहीं था मेरा क्या बात कर रहे हो ये थे क्या अंधो के कॉलेज में मिस इट नाउ आई मिस इट मुझे लगता है कि अभी होना चाहिए था तो या आई यूज्ड टू डिजाइन सिंग तो सेते बड़े माने फंक्शंस कोई भी फंक्शन होता था सो दे वुड कॉल मी फॉर सिंगिंग एंड ऑल दैट तो वहां पे एनआईटी में हम लोग का एक इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आईआईएम अहमदाबाद इट्स अ वेरी फेमस इंस्टीट्यूट तो वहां का एक देयर यूज्ड टू बी वन फेस्टिवल दे स्टिल हैव इट इट्स कॉल्ड केओस Chaos में performance यार chaos में मैं बहुत actively participate करती थी हर साल and so yeah all these kind of festivals like used to and so many you know guys and girls you know how it is Ritu but then क्या करूँ उस वक्त पता नहीं क्या था दिमाग खराब था एक भी affair नहीं हुआ so अभी कर लेते हैं कोई बात नहीं अभी सोच के अफसोस होता है you know अभी लड्डू की मम्मी कितनी सेक्सी एंड हॉट है ओके लेट मी रीड ऑल द कमेंट्स बहुत सारे आपके कमेंट्स आए हैं एक तो मैं बता दूं कोई आपका डाई हार्ट फैन है ही नोज अबाउट यू एवरीथिंग ईगरली वेटिंग फॉर योर ओके आई अमन ईगरली वेटिंग फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स एंड ऑल द पर्संस आर सेइंग हाय हेलो Wow, this is called matching. No, this is See, this is coincidence, huh? Epic coincidence. So you are maybe हम लोग घूमते खेले में बिछड़े हुए बहने थे बहना खेले में बिछड़ गए
Okay, let me read some more. Okay, it's like me, comments, you know, so mujhe me Jharjharia. Sorry, it's me Jharjharia and Arpita, happy Mother's Day. And all are like sending you a very good vibe. Thank you so much. Yes. Hi Arpita, you are my favorite. Thank you. Hello Arpita. A B V A. Acha. Divya. Okay. Laddu ki lavender mom, happy Mother's Day. Okay. And he is P Jharjharia 07. Kya naam hai Jharjharia? Wow. Inka naam, inke naam mein Jhanjhar, matlab wo hai musical naam hai inka bada. एंड वो जो हमारे यहाँ पे दिवाली में दिवाली में झांझरिया तो इट्स लाइक दे ऑल आर सेइंग हाय अर्पिता ला 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 एंड इट्स लाइक फेयर लवली एंड ऑल आर लाइक ओके लेट्स टॉक अबाउट यू लाइक मेमोरीज जो एरा रे आपण आसी थिले से एरा रे बहुत सारा सिंगर्स माने स्ट्रगल करथिले बहुत ना करथिले स्ट्रगल करिया कथा कि स्टार्टिंग रिपोर्ट थी आपन को पोस्टर टू नहीं कि ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम लाइव एंड ऑल तो से समय रे इंती हेछि गीत पई आसी थिबे गाय थिबे देन यू आर रिजेक्टेड एंड आफ्टर सम टाइम्स यू हर्ड दैट के ओके ये गाना तो किसी और को मिल गया भाई लॉट ऑफ टाइम्स एक्चुअली आई कैन नेम अ फ्यू सॉन्ग्स आई वेंट टू सिंग दिस सॉन्ग कॉल्ड शुद्ध देसी रोमांस यशराज फिल्म का गाना था तो वो ऑलमोस्ट फाइनल हो गया था सब कुछ एंड देन बाद में मुझे पता चला कि दैट गॉट रिप्लेस्ड बाय अदर सिंगर एंड मैंने और भी सलमान खान की फिल्म आई थी उसमें हैंगओवर गाना था वो भी गाया था मैंने हैंगओवर तेरी यादों का तो ऐसे मैंने बहुत गाने गाए हैं एंड आई to sing these as final songs only. लेकिन क्या होता है कि बड़े लेवल पे वो बोलते हैं कि बड़े सिंगर्स चाहिए श्रेया घोषाल चाहिए एंड यू नो दिस चाहिए वो चाहिए सो या तो उस वक्त डिसअपॉइंट तो ये बदला आपने पूरा कर लिया एज यू रिप्लेस श्रेया घोषाल आशिकी 2 का जब बन रहा था हाँ वो है वो एक ब्लेसिंग आप बोल सकते हो यार अपना टाइम आएगा You know so much, Goody. I'm so impressed. Wow. तो वो कैसा लगा? It's like okay. मतलब श्रेया घोषाल को reject करके आपको लिया गया. Have you like feel ashamed कि क्यों लिया गया? मतलब क्यों? नहीं, actually मैं सच बात बताऊँ, कुछ लोगों को नाम की नहीं पड़ी होती है. अगर श्रेया उस style में नहीं गा पाती है, क्योंकि श्रेया घोषाल is a fantastic singer, but कभी ऐसा होता है कि जो कंपोजर है जो म्यूजिक डायरेक्टर है हो सकता है उनका जो 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 परसेप्शन है वो नहीं मिल रहा है तो देन मे बी अर्पिता कम्स इन द पिक्चर अर्पिता गाती है और उनको वो अच्छा लग जाता है तो फिर वो नाम नहीं देखते हैं जैसे कि मैंने अभी एक फिल्म में गाया था मराठी फिल्म थी और उसमें उन्होंने जो उनको श्रेया घोषाल चाहिए थी उन्होंने मुझे पहले दिन में रिकॉर्डिंग में ही बोला था कि मैं आपसे गवा रहा हूँ लेकिन इसका फाइनल गाना श्रेया घोषाल गाने वाली है तो मैंने मैंने उनको कुछ बोला नहीं उस वक्त मैंने बोला कि ठीक है सर मैं गाती हूँ और आप देखो आप डिसाइड करो आपको जैसा लगता है अगर आपको लगे कि ये सो देन आई सैंग दैट सॉन्ग एंड बाद में उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने और श्रेया से गवाया ही नहीं वो गाना वो मेरे ही आवाज में फाइनल हो गया तो ऐसे भी होता है ऐसे कॉम ना कौन हाँ तो दीस थिंग्स आल्सो हैव हैपेंड यू नो सो आई स्टिल बिलीव इन मिरेकल्स और मुझे लगे कि विथ योर पॉजिटिव एटीट्यूड यू कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ और वो बहुत पॉजिटिव सब बड़े पॉजिटिव And Bombay, it's like you have to struggle each and every day, each and every moment. So yeah. It's like okay, success mil gala, apno gita gai dele and Ashki 2 Telugu version bhi bahut hi hit hai thila.
and I think jodi mone thibo language gai pare two lines I will sing it for you but it a south indian re achi మనసి పెదవైనా పదమునువే మనిషేశ్వరమైనా వరమునువే గణులకు నీవే మొదటి కళా బ్రతుకున నీవే చివరి కథా నా ప్రాణమా నా ప్రాణ పంతమా ప్రశాంతమా जिनको पता नहीं ये गाना है क्योंकि तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी भी बस तुम ही हो। तुम राजू भी बोल लिया करते गुस्से में अगर होगी अर्पिता अगर गुस्सा कर रही होंगी गुस्से में होंगी तो राजीव कभी कभार गा लेते राजीव अगर गाना गाए ना तो फिर तो हो गया फिर मुझे घर छोड़ के जाना पड़ेगा That's why he married you कि मुझे कम से कम एक सुरीली बीवी मिल जाएगी तो सुरीली बीवी मिले हाँ और मैं लोग सोचते हैं ना कि सेलिब्रिटीज का ना अपने घर में रियल लाइफ में भी सब कुछ नो हाईफाई होता है जब यू नो बीवी सिंगर होगी तो पति जब गुस्सा होगा तो गुस्से में हो क्यों ऐसा गाना वाला होता है सच में होता है हम लोग का रिलेशनशिप बहुत ज्यादा फनी है इट्स मोर लाइक वी आर लाइक फ्रेंड्स एंड मुझे कभी कभी लगता है कि हस्बैंड है भी या फ्रेंड है मेरे पड़ोस की आंटी समझती है कि हम लोग भाई बहन है तो बाहर लिख देते नहीं डोरेमोन नोबिता का घर ऐसे लिख देते नहीं वो सबसे वियर्ड चीज मैंने सुना है जब हमारी वो खैर नई थी वो जब पड़ोस में आई थी आंटी तो वो आई हमारे घर पे उनके घर पे पूजा था तो वो हमको इनवाइट करने के लिए आई थी तो वो हम लोग से मिली तो बोलते आप लोग भाई बहन हो ना जरूर आइएगा हमारे घर पे तो तब एक्चुअली तब आई थिंक लड्डू भी हुआ नहीं था तब और लेकिन हम लोग को भाई बहन बना दिया था उन्होंने तो मुझे भी कभी कभी लगता है हस्बैंड वाइफ ना भाई बहन जैसे दिखते हैं उनकी जोड़ी सुपर हिट होती है दैट्स व्हाई अच्छा और एक रिक्वेस्ट आया है द बियर्डो मैन हाय ब्यूटीफुल फ्रेंड मेरा वाला गाना ओके तो इसीलिए गुड्डी जी जो मुझे बोलेंगी मैं वही गाऊंगी अच्छा मुझे लगता है वो ये पल्लव है he's a friend of mine, उनका गाना वो साथी रे मैं गाती हूँ आपके लिए बदला था
हैंगओवर का गाना छूट गया तो मेरा हैंगओवर था, दैट्स व्हाई यू मेड तू ही तू। नहीं, मैंने सलमान जी के लिए उनके फिल्म हीरो में गाया है, दैट सॉन्ग खोया खोया। बाकी तुझे मैं खोया खोया दिल खोया खोया मैं, बाकी तुझे मैं खोया खोया। तो ये मैंने गाया है, इसमें एक तराना का भी बहुत ब्यूटीफुल सा पीस। बंद कर दिया, मुझे लगा कि और मतलब गाती रहे, यू आर सो स्वीट। जो कोई मीठा ना था कि एक एक 15 मिनट आपका गाना सुन ले, वो जो एक क्रेविंग होता है ना स्वीटनेस का, वो बंद हो जाएगा। आपको लड्डू को देख के क्रेविंग चला जा रहा होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लड्डू को तो मैं पूरा दिन खाती रहती हूँ, सुबह ब्रेकफास्ट लंच डिनर उसको मैं। अच्छा, ये लड्डू कौन है ये सब जानना चाह रहे हैं, तो अभी थोड़ा बता दीजिए। लड्डू मेरा 1 साल का बेटा है, उसको मैं प्यार से लड्डू बोलती हूँ। उसका नाम है, उसका नाम फेमस मतलब है लड्डू लफंडर के नाम से वो जाना जाता है, लेकिन उसका नाम है वियान, वियान बागची। वो बेचारा बड़ा होगा, उसका कोई नाम भी नहीं याद रखा, लड्डू लफंडर ही होगा। अच्छा, ये आपने जो गाना गाया वो पूछ रहे अदव्य की व्हिच लैंग्वेज, दैट्स तेलुगु। तो आपने, हाँ तेलुगु, दैट्स तेलुगु। ओके, 16 लैंग्वेज कैसे याद रखी आप, कौन सा कौन सा? मुझे मुझे भाषाओं का बहुत ज्यादा क्रेज है गुड्डी, मुझे पता नहीं, मैं जहाँ पे भी जाती हूँ शोज के लिए भी, अगर राजस्थान गई तो मुझे वहाँ के लोग कैसे बात करते हैं, मुझे वो सुन के यू नो बहुत मजा आता है कि यहाँ का डायलेक्ट थोड़ा अलग है। हम लोग भी उड़िया में भी दे संबलपुरी कहता अच्छू बोल सो यू नो देयर आर सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस इन आवर कंट्री। तो मुझे लगता है कि वी आर सो रिच ऑलरेडी, कल्चरली हम लोग इतना रिच है कि हम लोग कहीं पे भी ट्रैवल करें कुछ भी करें, हम लोग के पास इतना सारा इंफॉर्मेशन है, इतनी सारी भाषा है। तो मैंने तो मुझे वो सारी, जैसे पंजाबी बोल रहे तो पंजाबी में थोड़ा सा वैसे ट्विस्ट आना चाहिए पंजाबी। मैं आपके लिए एक पंजाबी गाना भी सुनाऊंगी अभी, तो मैंने पंजाबी फिल्म में गाया है मीका सिंह, मीका पाजी के साथ, फिल्म का नाम है मुंडे पटियाला दे, तो उसमें एक पार्टी सॉन्ग गाया है मैंने। मैंने राजस्थानी फिल्म फेस्टिवल में मेरा नॉमिनेशन हुआ था बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल का, तो उसमें भी गाया है, बहुत सारे लैंग्वेजेस में गाया है। तो एक साउथ इंडियन लैंग्वेजेस सबसे डिफिकल्ट होते हैं उसके लिए। कौन से गाने में बहुत डिफिकल्टीज हुई, क्योंकि साउथ इंडियंस के मतलब लोग समझते हैं कि तेलुगु तमिल मलयालम सब सेम है, नहीं सब अलग अलग है, अलग तमिल मलयालम कन्नड़ा, ये 4 भाषाएं हैं साउथ की। तो कौन से लैंग्वेज बोलने में डिफिकल्टीज आते हैं और गाने में, या फिर उल्टा होता है? मलयालम इज सो टंग ट्विस्टिंग, ऐसे आपको मैंने टंग ट्विस्ट करना पड़ता है बिल्कुल। मलयालम इज द मोस्ट डिफिकल्ट, आई लव तमिल, आई लव कन्नड़ा, और तेलुगु भी बहुत अच्छी है, मतलब इजी लगता है मुझे, मलयालम इज वेरी डिफिकल्ट। कभी कभार ऐसा लगता है ना कि काश मैं उड़िया नहीं होती, काश मैं इस लाइक रीजन में पैदा होती, तो इतने सारे लैंग्वेज अगर आपको पता है तो कौन सा लाइक रीजन? मैं बताऊँ, मैं बहुत सेटिस्फाइड और प्राउड हूँ, बहुत ज्यादा। आई एम वेरी लकी दैट आई वाज बोर्न इन उड़ीसा इन राउरकेला, क्योंकि मेरे रूट्स मुझे बहुत अलग बनाते हैं लोगों से। आप नॉर्मली आप शहरों में पैदा होते हो तो शहर का ही तौर तरीका सब कुछ, जो लोग मिट्टी की खुशबू लेके आते हैं शहर में उनका सब कुछ अलग होता है, वो अलग से चमकने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत प्राउड हूँ उसके बारे में, छोटी छोटी चीज़ों को मेरे मम्मी पापा ने मुझे सिखाया है। और हम लोग वहाँ पे, जबकि हम लोग रहे बहुत ठाट बाट से, लाइक मेरे पिताजी गवर्नमेंट में वो थे, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में इंजीनियर थे वो, और तो हम लोग के बहुत बड़े बड़े गवर्नमेंट के घर हुआ करते थे, हमारे आम के बगीचे हुआ करते थे, 4-5 पेड़ होते थे आम के,
घर में तीन चार मतलब रेस्ट्रिक्शंस कुछ थे जब अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, तो ऐसे कभी हुआ है कि मम्मी ने आपको लॉकडाउन में रखा होगा ये नहीं करना वो नहीं खाना आम मत तोड़ना, तो कैसी थी अर्पिता? हाँ मेरी मम्मी तो क्या बोलती चलती फिरती वो थी मेरे लिए, मतलब वो बोलते ना क्या इंस्ट्रक्शन मैनुअल, हिटलर वॉकिंग टॉकिंग इंस्ट्रक्शन मैनुअल थी मेरे लिए, तो हर एक चीज में वो मुझे बोला करती थी इसको ये इसको इसको ऐसे धोना चाहिए इसको ऐसे करना चाहिए, तो उनका उनकी बीमारी का थोड़ा सा एक अंश मुझ में भी आ चुका है गलती से, तो मैं मुझे घर में हर एक चीज अपनी जगह पे होना बहुत जरूरी है, तो ये बहुत बड़ी भयंकर बीमारी है, तो मैं पूरा दिन साफ करती रहती हूँ और लड्डू के पापा पूरा दिन उसको मेस बनाते रहते हैं, तो ऐसे ऐसे आ गई मेरी सफाई अम्मा। हाँ तो वैसा है। ओके तो एक केसरिया बालम का रिक्वेस्ट आया है वही बियर्डो मैन से, और फिर एक आया है मदर्स डे जो योगा जी है गणेशर, तो इज अ वेरी ब्यूटीफुल योगा टीचर मेरी माधुरी बैक बैक। अच्छा अर्पिता का इतना सबका एक छुपा हुआ नाम होता है जो प्यारा वाला नाम होता है, तो दोस्त लोग अलग बुलाते हैं, हस्बैंड अलग बुलाते हैं, मम्मी अलग बुलाती है, तो क्या क्या ऐसे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ नाम थे? बहुत अलग अलग नाम है, मेरा निकनेम यहाँ पे है अगर आप लोगों को दिख रहा है ये टैटू है, ये बंगाली मेरे पिताजी मुझे बोलते थे शॉन SHON इसको शॉन बोलते हैं, तो वो एक निकनेम है, कुछ लोग अपू बोलते हैं, कुछ लोग आरू बोलते हैं, अर्पी बोलते हैं, बहुत सारे निकनेम से मुझे बुलाया करते हैं। चक्रवर्ती ऐसे मिश्री दोही स्कूल में तो ना सरनेम से बुलाते थे, चक्रवर्ती मैडम धराओ चक्रवर्ती किताब लिख के जाओ, ऐसे नहीं बुलाते ऐसा नहीं बुलाया। और मुझे NID में सब लोग पिट पिट बोलते थे, तो मेरे बहुत अलग अलग किस्म के नाम है, तो मैं अपने नाम को इतना सीरियसली नहीं लेती हूँ, बट मैं अपने काम को बहुत सीरियसली लेती हूँ। अर्पिता ने कभी ये इच्छा जाहिर नहीं की कि बहुत सारे सिंगर्स आज जो फेमस है, आपने तो ऑलमोस्ट सबके साथ ही गाना गा लिया, सब कहीं ना कहीं कौन से ना कौन से रियलिटी शो से जरूर आए हैं, अर्पिता को कभी नहीं लगा कि एक रियलिटी शो से जाऊं तो और भी अच्छा होगा कॉम्पिटिशन? जाऊंगी गुड्डी बट एज अ जज नॉट एज अ कॉन्टेस्टेंट। और ये जज की अगर बात करेंगे तो ऐसे बहुत सारे म्यूजिक कॉम्पिटिशन आते हैं जहाँ पे जज होते हैं, जज के ऊपर सुपर जज होते हैं, फिर पता नहीं क्या क्या जजेस होते हैं, तो अब तक अभी तक हमने नहीं देखा, जो कि एक बहुत गाने बहुत ही जल्द देखोगे आप, क्योंकि मुझे वो जूरी और वो जो तीन चार पैनल होते हैं ना, मुझे सबसे ऊपर वाले पैनल में बैठना है, मुझे आई वॉन्ट टू मेरी जो एंट्री है एकदम बिल्कुल सलमान खान की जैसी एंट्री होती है ना फिल्म में, वैसी होनी चाहिए, दबंग स्टाइल, देर आए दुरुस्त आए, बट तो इसीलिए मुझे कभी ऐसा डेस्परेशन हुआ नहीं है कि इस रियलिटी शो में आप पार्ट ले लो, जबकि आई यूज टू वॉच रियलिटी शो में कुछ रियल होता नहीं है, एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड एंड यू नो दैट इज द रियलिटी, तो एंड आई थिंक वो एक थप्पा लग जाता है ये इंडियन आइडल से है, ये सारे गमा से है, ये है वो, ऑल दो काफी लोगों ने बहुत अच्छा किया है वहां से निकल के, मैं उनको खराब नहीं बोल रही हूँ, बट मैंने कभी अपने आप को उस कैटेगरी में देखा नहीं है, सो मेरी सोच थोड़ी अलग रही है, अभी मैं खुद प्रोड्यूसर बनी हूँ, अभी मैं म्यूजिक वीडियोस प्रोड्यूस कर रही हूँ, अभी एक आने वाला है, इसके बाद एक और आने वाला है, तो मैं खुद ऑडिशंस लेती हूँ हीरो हीरोइंस के, तो मैं उस लेवल पे अपने आप को भी देख रही हूँ, तो आई कांट सी माई सेल्फ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ जजेस जो कि मेरे उम्र के जजेस हैं, लाइक यू नो अगर नेहा कक्कर हुई या जो भी हुई, वो मुझे जज करके बोलेंगे कि आपने ये सुर ऐसा लगाया, कर रही थी या फिर कभी ऐसा लगा कि अगर मैं रियलिटी शो से एंट्री करके बॉलीवुड में आऊंगी इट वुड बी बेटर फॉर मी कि लोग पहचानेंगे लोग जानेंगे, बचपन में ऐसा सोचती थी, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी और जैसे मैं जब NID गई तो मैंने दुनिया देखी, मैंने देखा कि जो भी मेरे कॉलेज के जो भी स्टूडेंट्स थे और सब कुछ अपने हाथों से करते थे एवरीथिंग, बोलते ना हम ब्रह्मास्मि क्रिएट करते थे हर चीज, आपको कुछ
बाजार से खरीदने की जरूरत ही नहीं है. फिल्म बनाते हैं, गाने बनाते हैं, सब ट्रैक्स बनाते हैं, सब कुछ, जूते भी बनाते हैं, मतलब ड्रेस से लेके जूते, एवरीथिंग दे ऑल दे मेक, वी मेक विद आवर ओन हैंड्स. सो इन दैट सिचुएशन आपको कोई बना बनाया टेलीविजन शो आपको कोई दे रहा है, वहां पे भी आपको जाके झूठ बोलना है, आपको जज कर रहे हैं कोई लोग, वो भी सब यू नो. तो मुझे वो सब चीजें समझ में नहीं आई, सो आई जस्ट somehow don't associate myself with all that. But okay. Yes, I will be a judge someday for sure. वो तो हम देखेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत गाना गाने का रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि Harry V वो लिख रहे हैं कि I love you both. मैं भी एक सिंगर हूँ, तो ठीक है भाई, सिंगर है तो अर्पिता को कभी कभी गाना चाहिए. एक मैं पंजाबी, जैसे मैं आपको बता रही थी, थोड़ा सा मैं गा के बताती हूँ. बहुत ही फेमस गाना है ये, और मैंने नहीं गाया लेकिन चंबे दे पहाड़ा वाली शाम वे मुंडिया संदली संदली नैना विच तेरा नाम वे मुंडिया संदली संदली नैना विच तेरा नाम वे मुंडिया संदली संदली नैना विच तेरा नाम वे मुंडिया. ओ मेरे सुनने सुनने पैर तुता जाना रहना शहर बहुता मंग दीना थोड़ा ले दे जंजरा दा जोड़ा. ओ मेरे सुनने सुनने पैर तुता जाना रहना शहर बहुता मंग दीना थोड़ा ले दे जंजरा दा जोड़ा. जेड़ा विकदा बाजारा विच आम वे मुंडिया संदली संदली नैना विच तेरा नाम वे मुंडिया संदली संदली नैना विच तेरा नाम वे. Thank you. What do you call it? Jyoti sabu rugs hue. That place that's magical. Jyoti koi bhi wish mango to puri ho jati hai. Paris? No. It's just Istanbul, Turkey. See, it's like mere zuban pe tha, main bol nahi pa rahi. To kya wish manga aapne? Maine बहुत सारी विशेस मांगी है, अब कुछ कुछ पूरी हुई है, कुछ अभी विशेस कुछ कुछ बाकी है, लेकिन हो रही है धीरे धीरे. कभी जैसे ड्यूरिंग द स्ट्रगलिंग टाइम कभी डीमोटिवेट तो हुए होंगे, जैसे अभी लॉकडाउन के चलते सब डीमोटिवेट हो रहे हैं बिकॉज इकोनॉमी सब कुछ, काम बंद, लाइफ बंद, सब बंद. तो कभी ऐसा अगर हुआ है, अभी होता है, तो हाउ यू मोटिवेट योर सेल्फ, मतलब क्या करके इतना स्पार्क लाती है आप खुद में? मैं ना गुटी आज तक ऑनेस्टली बताऊं, मैंने आज तक जिंदगी में कभी भी डीमोटिवेट नहीं हुई हूँ. मेरे ऊपर बहुत सारी चीजें हुई हैं, लाइक सबसे बड़ा तो मेरा पर्सनल लॉस जो मैंने आपको बताया. माँ बाप नहीं है मेरे साथ, इस दुनिया में नहीं है मेरे मम्मी पापा, बट मैं कभी भी आज तक डीमोटिवेट नहीं हुई हूँ. और मुझे हमेशा लगता है कि एक ब्राइटर टुमारो इज वेटिंग फॉर ऑल ऑफ अस. ये एक रात है, ये रात जैसे कट जाती है फिर दिन आता है. रात में बहुत अच्छी चीजें भी होती है, रात में चांद है, चांदनी है. रात को हम लोग सिर्फ डार्क और नेगेटिव क्यों देखेंगे? लॉकडाउन मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है. जो लोग अपने घर में अपने लोगों के साथ वक्त नहीं बिता सकते थे लॉकडाउन की वजह से, आज वो अपने बच्चों के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ, अपने फियांसे के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं. तो ये सबसे बड़ी बात है. जिनको कुकिंग नहीं आती थी वो आज रोटी बना रहे हैं.
आई थिंक आफ्टर लाइक आफ्टर लॉकडाउन हर कोई सोचेगा कि आई वुड स्टार्ट एटलीस्ट अ रेस्टोरेंट. मैं तो सोचने वाली हूँ कि एग्जैक्टली कपड़े कपड़े धोना किसको आता था बोलो. अभी सब लोग बाई बन चुके हैं टेम्पररीली, सब लोग बाई माली कूली बाई, हाँ सब कुछ बन चुके हैं. तो मुझे मुझे बताओ लॉकडाउन के तो बहुत ही फायदे हैं, फायदे ही फायदे हैं. और फिर देखो लोगों से मिलना नहीं है, जुलना नहीं है, तो दूर दूर से नमस्ते हेलो सोशल मीडिया पे आए बोलो, तो बहुत अच्छी बात है. तो आप अपने लॉकडाउन के बीच में अर्पिता ने क्या सीखा, क्या त्यागा है, क्या नई चीज उन्होंने इन्वेंट किया, अरे ये तो मैं जानती हूँ, ये मुझे पता है. बिल्कुल, मैंने लॉकडाउन में मैं बहुत सारी चीजें सीख रही हूँ अभी तक. मैंने बहुत सारी रेसिपीज ट्राई की हैं खाने में, और मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करती रही हूँ. जैसे 16 लैंग्वेज गाना जानती है, कौन सी लैंग्वेज का खाना अच्छा लगता है? खाना मुझे कोई बहुत जो भी मतलब डिलीशियस होना मुझे पसंद है. आई थिंक मैं सब कुछ ट्राई करती हूँ. मैंने इस बार बहुत कुछ बनाया, डोसा बनाया है मैंने, पिज्जाज बनाए हैं मैंने, पास्ताज बनाया है मैंने, इंडियन बनाया है, चिकन बनाया है, सब कुछ मैंने ट्राई किया है. और मुझे लगता है कि ये कुकिंग स्किल्स थी मेरे अंदर, लेकिन अभी थोड़ा ज्यादा ज्यादा हो गए के बाहर आ रही है, फूट फूट के फीलिंग्स की तरह फुदक 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 के बाहर आ रही है, फुदक के बाहर आ रही है. अच्छा अभी तो आप मम्मी बन गई. ऐसा नहीं लगता है गुड्डी, मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं काम को काम नहीं समझती हूँ. मैं बहुत एंजॉय करती हूँ, मैं घर पे झाड़ू पोछा भी करती हूँ, तो मैं समझती हूँ कि मैं अपने शरीर के लिए, मेरे मसल्स वर्क कर रहे हैं, और प्रेगनेंसी के बाद मैंने काफी वेट लॉस भी किया है, अभी भी कर रही हूँ. तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इन सब चीजों से मैं अपने आप को मोटिवेट करती हूँ, तो यही यही मेरा तरीका है. तो मैं बाथरूम में गाना गाती हूँ, और बहुत कम प्लेबैक सिंगर्स होते होंगे जो बाथरूम सिंगर्स भी हैं, तो मैं उनमें से हूँ जो मुझे बाथरूम में गाना बहुत पसंद है. तो अर्पिता कैसी है, लाइक हुसैल है, स्वीट है, नॉक्टी है? अर्पिता इज अ मिस्ट्री, अर्पिता इज अ मिस्ट्री. जो जिन्होंने मेरा गुस्सा देखा है, जिन्होंने मेरा प्यार देखा है, जिन्होंने ये दोनों को आपकी राजीव ने देख लिया होगा, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मतलब मेरे कितने 100 क्वालिटीज में 99 तो उसने देख लिया ही होगा मेरे ख्याल से. बट कभी कभी वो भी सरप्राइज हो जाते हैं, ये भी तुम में है, ये भी है, अच्छा ये भी है, ओके. तो मैं एक बुक लिखूंगा कभी, मैंने कहा जरूर. तो बुक लिखने की बारी आई, कभी अर्पिता को एक्टिंग का ऑफर नहीं मिला? ऐसा तो है, बट मुझे लगता है कि जिसका काम उसी को साजे, और करे तो डंका बाजे, कहावत है. तो मुझे लगता है कि मैं अपना जो भी मुझे ईश्वर ने जो जो ब्लेसिंग्स दी हैं, तो मैं अभी तक तो मैं अपने सारे वीडियोस में मैं कास्टिंग कर रही हूँ हीरोइंस को, लेकर हीरोज को अभी थोड़ा बहुत करना पड़ता है एक्टिंग. रियल लाइफ में भी करते हैं हम लोग, रियल लाइफ में भी करते हैं दोनों, तो वो करना पड़ता है. बट इतना सीरियसली मैंने सोचा नहीं है कुछ. मुझे ऑफर्स आए हैं, मुझे शॉर्ट फिल्म के ऑफर्स आए हैं, अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स से आए हैं, क्योंकि आई थिंक आई एम नॉट एन एक्टर एक्टर, बट या आई मीन आई कैन मैनेज आई थिंक. ओके कम माने आई स्ट्रेट द पॉइंट, ओडिया की तब पर्यंत अर्पिता गाई ना होती कहीं? ओडिया रे बहुत पॉलिटिक्स अच्छी गुड्डी, मतलब आई थिंक आई हैड संग सॉन्ग फॉर एन ओडिया फिल्म, सेटा जाए कि सेठी जाए कि रिप्लेस है गला से ईरा महंती गाइले से सबू गीत. There were 4 songs I had sung with Udit Narayan. तो वो जाके पता नहीं मुझे, and like I told you, मुँह उनकी follow up करी पा रहे ना, like I sir मो गीत अच्छी मैं, you know, and whatever people do, you know, please please in various ways. तो मुँह से सबूरे नहीं. तो maybe that is the reason. But हाँ मुँह मतलब लगे कि I
I love Odia language. So, mate, I'm very passionate about it. So, mu Odia gito bhi hai jo, like Odia gito and Mother's Day, gote mummy gito bhi jo, because I think for the moms of the day, yeah. ओडिया रे मुगटे जगन्नाथ भजन गाउ छी तम पे देखो लो संगात बड़ दांडे बीजे जगन्नाथ देखो लो संगात बड़ दांडे बीजे जगन्नाथ देखो लो संगात आसु छंते झूली आहा झूली 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 घंटा ताले ताले परी बंगी नटो देखलु संगात बड़ा दंडे बीजे जगन्नाथ देखलु संगात तो दिस वाज ओडिया मम्मी ने कितना स्टेक लाया था बचपन में मम्मी को पाई मु गोटे गीत गाई भी अबे एटा मोर लाइफ रो फर्स्ट परफॉर्मेंस मु स्टेज रे ए गीतटा सब बेले गाउथली एंड आई यूज्ड टू सिंग दिस एंड आई यूज्ड टू डेडिकेट इट टू माय मदर थरे एमती हेथिला कि मो मा से कंपटीशन रे जज हेथिले तो से तांको लोक माने कहले अरे आप अपने बेटी को कैसे जज करोगे तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं अपना पेन पेपर सब रख दूंगी आप लोग जज करो शी ऑप्टेड आउट फ्रॉम दैट कंपटीशन जस्ट बिकॉज़ आई वांटेड टू पार्टिसिपेट बट सेठी मु फर्स्ट प्राइज मते मिलला मु से गीतटा गाइबी आज एंड गीत गाइबा अपन प्रिपेयर करिया भितरे मुस्कान कौशिक एक्चुअली ऑफिशियल शी इज अ कंप्लीट पैकेज ऑफ टैलेंट आई हैव सीन हाउ व्हेन मैम सिंग्स हर आईज वर सो ब्राइट या दैट्स So sweet of you. Thank you so much, Muskan. Yes. So, song. Eta bohut gote film astila Anadi. Taro gito. I used to sing this as a child. Sabu bade gaothili mu stage re. Choti si pyari si nanni si aayi koi pari. Boli si nyari si achi si aayi koi pari. पालने में ऐसे ही झूलती रही खुशियों की बहारों में झूमती रही गाते मुस्कुराते संगीत की तरह ये तो लगे रामा के गीत की तरह रा रा रू रा 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 रू रा रा रू रा 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 रू इसमें जो अंतरा जो मैं मॉम को हमेशा डेडिकेट करती थी खुशियाँ देती है दुख ले लेती है माँ की ममता का मोल ना कोई नगमे गाती है सुख बरसाती है माँ के जैसा तो बोल ना कोई उम्र भर मैं करूँ माँ की बंदगी माँ तेरे नाम है मेरी जिंदगी माँ तेरे नाम है मेरी जिंदगी गाते मुस्कुराते संगीत की तरह ये तो लगे रामा के गीत की तरह रा रा रू रा 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 रू रा रा रू रा 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 रू तो ये था ओ आई होप वन डे लड्डू वुड लव टू सिंग फॉर यू सिंग दिस हां लड्डू तो आज के जन तो वो शायद अलग तरह के गाने सुनाएगा मुझे लेकिन यो लड्डू एंड डीजे तुषार he wrote lovely voice blessed with it keep rocking and meri maa gana agar aapko aata hai to thoda bahut gungna dijiye gaane ke liye request kar rahe hain wo meri maa acha
तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है मेरी।